का पहला रिएक्शन जानना चाहूंगा इस तरह की धमकियों पर। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मेरा काम जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करना है। और मैं आप सब सुनियो कि रविंद्र सिंह जी भाटी ने मिली जान से मारवारी धमकी, धमकी दी रोहित गोदारा फेसबुक के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि धमकी की बात सुनता ही पूरे माहौल में, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि रविंद्र सिंह जी भाटी ने धमकी रोहित गोदारा ने नहीं दी, बल्कि कोई और ही है। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि भाटी ने फेसबुक के माध्यम रोहित गोदारा नाम से आईडी मिली थी, जो कि आईडी फेक थी। रोहित गोदारा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर मात्र ट्वीट कर बताया कि इन धमकी में मेरे कोई लेनो देनो नहीं है। सत्तारी लालच में कई नेता और भाटी की खुशी नहीं देखी जा रही है। मैं पुलिस प्रशासन ने कहना चाहूँ कि मेरे नाम से अइंसाफ अफवाह फैलाई जा रही है, अन्य सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य साथ में रोहित गोदारा ने बताया कि रविंद्र सिंह जी भाटी एक गरीब परिवार से आवे और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत लोगों को भलो करने से स्टार्ट करी है। मैं रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ नहीं बल्कि साथ हूँ। रोहित गोदारा ने स्पष्ट कह दिया है कि भाटी को जो धमकी मिली उनमें मेरे कोई लेनो देनो कोई हाथ नहीं है। आपको क्या लगता है आखिर कौन हो सकता है भाटी का दुश्मन, जो किसने ये धमकी दी? और आपने बता दिया कि भाटी ने बताया कि मैं हमेशा जनता के साथ में हूँ और जनता मारो प्यार है और जनता मारो परिवार है, जो धमकी दे रहे हैं उनको देने दो कुछ नहीं होगा। आ धमकी किसी जानबूझ ने फेक आईडी सू रविंद्र सिंह जी भारतीय फेसबुक माते कमेंट कर दी है, जो कि नाम बताए तो रोहित गोदारा, जो कि रोहित गोदारा ने साबित कर दियो कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने फेसबुक माते ट्वीट कर और बता दियो कि रविंद्र सिंह जी भाटी मेरा भाई है और हमेशा लोगों को भलो करे और मैं उनके साथ में हाँ, ना कि उनके खिलाफ हाँ। आपको क्या लगता है ये धमकी का क्या कारण हो सकता है, आप हमें कमेंट कर जरूर बता दें। और भी ऐसे ही रविंद्र सिंह जी भाटी से जुड़ी न्यूज देखने वास्ते आप हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर देवे। आपने बताओ कि रविंद्र सिंह जी भाटी ने जो धमकी मिली फेक आईडी आखिर कौन हो सकता है? न्यूज सामने आते ही हम आपको जानकारी देते हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देवे सर।